आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल बातें पर। और आज फिर से हम एक नई शख्सियत के साथ आप सबके बीच में हैं। और आज की शुरुआत में कुछ उन पंक्तियों से करना चाहूँगी जो मेरे टीचर ने लिखी हैं। और वो पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से हैं, जिंदगी का सफ़र लंबा है, साया कितना भी घना हो, जलाते चलो दिए दूसरों की राहों पर, तो अपना मुकाम एक काबिल परिंदा है। और इन्हीं पंक्तियों को जो वास्तव में अपने जीवन पे उतार कर चल रही हैं, जो अपना ही नहीं दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हर पल अग्रसर हैं, और जिनकी एक एनजीओ, एक फाउंडेशन है छिपी मुस्कान के नाम से, वो आज हमारे बीच में है। तो बिना समय गंवाते हुए हम स्वागत करना चाहेंगे मिसेस डिंपल मैम का, जो एक छिपी मुस्कान की फाउंडेशन बिना किसी की फाइनेंशियल हेल्प के खुद से चला रही हैं और कहूँ तो मुस्कुराहटें बिखेर रही हैं। तो डिंपल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। हर किसी का एक सपना होता है कि इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या फिर टीचर बनना है, बिजनेस करना है, लेकिन सोशल वर्क करना है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सोच पाते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई कारण है, या आपका बचपन से ही मतलब था कि मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि जिससे मैं दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकूं, या फिर बाद में कभी कुछ ऐसा हुआ अनुभव कि आपने चुना इस रास्ते को? तो ये हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। प्लीज़ आप हमें बताइए कि आपने क्यों और किस वजह से ये रास्ता चुना। हेलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। आप उससे पूछ रहे हो कि मुझे कैसे प्रेरणा मिली सोशल वर्क करने में। सोशल वर्क करने के लिए मुझे प्रेरणा बचपन से ही कुछ कुछ मैं अपने पेरेंट्स को देखती थी। मेरे फादर साहब की मुझे बात आज भी याद है, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो राजपुरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो ट्रेन से घर आ रहे थे, वहाँ पर उन्होंने देखा था एक बुज़ुर्ग महिला ठंड से ठिठुर रही है, तो मेरे फादर साहब ने अपना कोट निकाल के उसे उड़ा दिया था और खुद ठंड में मर रहे थे। हाँ, तो बस वहाँ से फिर मेरे पापा भी यही चीज़ बोलते थे कि अगर आप सक्षम हो तो आप दूसरों की सहायता करने में आप पीछे मत हटिए। हाँ, लेकिन इतना है कि पहले आप सक्षम बनो, तभी आप दूसरों की सहायता कर सकते हो। और फिर दूसरी चीज़, मेरे हस्बैंड बहुत इस मामले में मेरी हेल्प करते हैं, मेरे बच्चे मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरा ब्रदर है वो मुझे मोटिवेट करता है, और एक मेरी स्पेशली नाम लूँगी मेरी जेठानी का। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी फील्ड में उतर गए और मैं फ्री हुई, तब उन्होंने मुझे यही बोला कि डिम्पल तुझ में जज्बा है, तू ये काम कर सकती है, तो क्यों ना किसी की सहायता कर, क्यों ना सोशल वर्क की तरफ जा। लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि इस सोशल वर्क को हमेशा सोशल वर्क ही रहने देना, इसमें लालच मत आने देना। और मैं उसी चीज़ पे आज तक कायम हूँ, जो रास्ता उन्होंने दिखाया मैं उसी पे चल रही हूँ। और वाकई में ही मेरी जेठानी का सबसे बड़ा योगदान है मुझे इस फील्ड में जाने के लिए, पुश करने के लिए। सोशल वर्क, मैं इस ढंग से सोशल वर्क में आई हूँ, उतरी हूँ, और अब धीरे 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 मेरे को ये काम करना अच्छा भी लग रहा है। जो मानसिक संतुष्टि मुझे ये काम करने में मिलती है, शायद मुझे और किसी चीज़ में नहीं मिलती, क्योंकि आप किसी के चेहरे की जब आप मुस्कान बनते हो ना, तो वो बहुत ही आपको खुशी देती है। वो कहते हैं ना, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बन जाना, बेगाने से शहर में एक पहचान बन जाना, उम्मीद से देखे जो कोई तुम्हारी ओर, तो तुम उसकी उम्मीद की किरण बन जाना। और इस ज़िंदगी के सफ़र में ना जाने कितने हज़ारों लोगों से हम मिलते हैं, कुछ हमारी ज़िंदगी में बदलाव भी लाते हैं और कुछ हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, लेकिन सबके खाने पीने, रहने और सोचने का ढंग अलग अलग है। और आप भी कुछ लोगों के साथ जुड़ी हैं जिनका सोचने का नज़रिया अलग होगा, जिनका काम करने का ढंग अलग होगा, तो ऐसे में आप उस टीम को इकट्ठा कैसे मैनेज कर पाती हैं, कैसे आप सब मिलकर काम कर वो एक अपना मुकाम हासिल करते हैं जो आप सोचते हैं? क्या कभी ये नज़रिया जो है, ये सोच है, बीच में रुकावट बनती है, या सब स्मूथली आप हैंडल कर लेते हैं? प्लीज़ आप हमें बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, आप ये सवाल आपका बिल्कुल सही है कि इतना बड़ा ग्रुप जो है हम लोगों का,
उनमें से मैं कैसे देख पाती हूँ कि कौन पॉजिटिव है और कौन, पर मेरा ग्रुप बहुत अच्छा है, हम सब बहुत अपनेपन से मिलजुल के काम करते हैं। बिल्कुल हर इंसान के खाना पीना वेशभूषा अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अगर किसी में सोशल काम करने का जज्बा है तो वो वहाँ जाके फिर सब अपनी राय अपना मशवरा सब एक ही कर लेते हैं। और वाकई में मुझे गर्व है मेरी टीम पे, क्योंकि जब हम साथ मिल के चलते हैं ना तो हम वो कर गुजरते हैं जो हम सोच भी नहीं पाते। और मुझे फ़ख्र है मेरी टीम पे, मेरी टीम के हौसले पे और उनके जज्बातों पे जो वो उन बच्चों के लिए, उन गरीब महिलाओं के लिए वो लोग रखते हैं। अच्छा लगा जानकर कि आप समाज के लिए इतने बड़े ठोस कदम उठा रही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम को एक ढोंग कहते हैं और वो ये समझते हैं कि ये सब दिखावा है, इसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ये सिर्फ आप अपना एक वो कहते हैं शोबिज के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे संभालते हैं, मतलब उन लोगों के लिए आप इस मंच के द्वारा कुछ कहना चाहेंगे? क्या उनकी सोच होती है, किस तरीके का उनका व्यवहार रहता है और इससे आपको और आपके काम पर उसका कितना इफ़ेक्ट होता है, प्लीज़ आप ये हमें ज़रूर बताइए। बिल्कुल, मैंने भी बहुत सी लोगों की बातें सुनी हैं, मुझे भी लोगों ने बोला कि ढोंग करती है, दिखावा करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कोई दिखावा या ढोंग नहीं होता। अब जैसे मैं एनजीओ में जाती हूँ तो वहाँ पर हेयर कट भी करवाती हूँ बच्चों का, हाँ जी, और मेडिसिन वगैरह भी दिलवाना, डॉक्टर्स के भी मैं अपनी गाड़ी में उनको बिठा के लेके जाती हूँ। जब मान लो बहुत बड़े बड़े उनके बाल हो जाते हैं तो कई बार वो नहीं धो के आते, तो मैं वहीं, गर्मियां होती हैं तब नलके के नीचे उनको वहीं से शैम्पू करके और अपने नहला धुला के कि चलो अब खेलो या अब पढ़ने बैठ जाओ। तो वो सारी चीज़ें हैं, मैंने भी बहुत कटाक्ष सहे हैं, मुझे भी लोगों ने बोला है कि इसने कभी घर में अपने बच्चे तो नहलाए नहीं, अब ये झुग्गियों में जा जाके बच्चों को नहला रही है। उन्होंने मेरे बच्चों का बचपन थोड़ी देखा है कि मैंने नहलाए हैं या किसी और ने नहलाए हैं। लोगों का काम है बोलना और बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, वो बाखूबी जानते हैं कि आपको मतलब वो कहाँ चोट दे सकते हैं, क्योंकि कई हैं ऐसे इंसान जो हमेशा वही चीज़ देखते हैं जहाँ मतलब आपको वो दर्द दे सकें या आपका दिमाग वहाँ से हटा सकें। पर मैंने उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मुझे भी लोगों ने बोला पैसे का दिखावा करती है, ये करती है, वो करती है, कोई बात नहीं, अगर मैं मेरी सोशल उस पे साइट पे अगर मैं मेरी एनजीओ की फ़ोटो डालती हूँ उनके साथ डांस करते हुए, उनके साथ इंजॉय करते हुए, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की खुशी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हम अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो वो कितने खुश होते हैं। और कटाक्ष से मत डरिए, जो इंसान कटाक्ष से डर गया ना वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। और वही गिनती के 5-7 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझ पर ऐसे धारदार कटाक्ष मारे थे, जो सुन सुन के मुझ में इतना हौसला बढ़ा कि आज मैं यहाँ हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। हौसला बुलंद रखिए, लोगों का क्या है, लोग कुछ तो कहेंगे ना, वो ऐसे कैसे रहेंगे फिर। मैम बहुत ही बेबाकी से आपने ये आंसर किया एंड आई डू बिलीव कि इसको सुनने के बाद कुछ तो शायद सोच में परिवर्तन लोगों के आएगा। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज से 15 या 20 साल के बाद उतनी एनर्जी तो नहीं रहेगी कि जितनी एनर्जी अब है और आप उस लेवल का काम कर पाएंगी, तो क्या कभी सोचा है कि मतलब जो ये काम आप कर रहे हैं, आपका टीम का कोई ऐसा काबिल सदस्य इस काम को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा या कोई और प्लान इससे जुड़ा हुआ, ताकि कुछ भी हो, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती लेकिन हमारा काम कभी नहीं रुकना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। तो क्या इससे जुड़ा हुआ आपने कोई प्लान किया है या कुछ आपके दिमाग में है योजना कि ठीक है अगर कल को मैं बिज़ी हूँ या मेरा वो स्टेमिना नहीं है ग्राउंड में जाके उसको काम करने का, तो फिर भी मैं मैनेज कर पाऊँगी, प्लीज़ आप। जी बिल्कुल, 15-20 साल के बाद नेचुरल सी बात है, उम्र बढ़ती है तो कहीं ना कहीं काम करने की क्षमता भी कम होती है। तो समाज में जो न्यू जनरेशन है, जो जज्बा रखे हुए है समाज सेवा का, मैं उनको आमंत्रण दूंगी कि आएं और वो हमारा काम संभालें, क्योंकि
हम लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा उस टाइम कि हम लोगों ने इस ढंग से ये काम किया है, लेकिन न्यू जनरेशन के पास ताकत होगी तो हमारा एक्सपीरियंस और उनकी ताकत मिलके इस काम को बखूबी निभाएंगे और बखूबी चलाएंगे। अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, और जो आज का यूथ है वो कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट चेंज कर रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस उम्मीद के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हेल्प करना चाहते हैं दूसरों की, लेकिन दे डोंट नो द प्रॉपर वे। तो क्या सोशल वर्किंग में क्या करियर ऑप्शंस हैं या क्या इसके स्कोप हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर बताइए, सो दैट कि जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं दे कैन गेट हेल्प। और प्लीज़ अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट कि कभी लाइव सेशन के थ्रू या किसी के चैनल के थ्रू हम आप तक वो उत्तर आपके ज़रूर पहुँचाएँगे। तो डिम्पल मैम, प्लीज़ आप हमें बताइए कि सोशल वर्किंग में कैसे लोग जुड़ सकते हैं और क्या वो हेल्प कर सकते हैं एज अ करियर, ये क्या इसको बना सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो वो उनमें जज्बा है लोगों की हेल्प करने का, लोगों के साथ मिलके काम करने का। बहुत से लोग बच्चे जो हैं वो सोशल वर्क की तरफ जा रहे हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोर्सेज हैं जिनमें आप सोशल वर्क का डिप्लोमा या कोर्स कर सकते हो, लेकिन आप इसको आजीविका के रूप में नहीं रख सकते। मैं उन बच्चों को यही बोलूँगी, बेशक आप इस फील्ड में आएँ, सोशल काम करें आप, मतलब अच्छी बात है अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने पैरों पर खड़े हों, उस हिसाब से सक्षम बने कि आप दूसरे की सहायता कर सकें। क्योंकि इस सोशल वर्क जो आप अपना रहे हो, इसके अंदर आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, वो फिर दूसरे तरीके के काम हो जाते हैं, आजीविका वाले जो हैं वो फिर दूसरी लाइन पे सोशल वर्क चला जाता है। मैं नहीं चाहती कि उस लाइन पे सोशल वर्क जाए, और मैं मेरे यंग जनरेशन को एक ही चीज़ बोलूँगी, बहुत अच्छी बात है दूसरों की सहायता करने का जज्बा अपने अंदर रखिए, लेकिन उससे पहले आप अपने पैरों पर इतने सक्षमता से खड़े हों कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। एक औरत होने के नाते हमारी 100 जिम्मेवारियाँ होती हैं, हमें घर की भी देखभाल करनी होती है और हमें बाहर काम भी करना होता है, कहने को मतलब हमें हर फ्रंट पर रेडी रहना होता है, लेकिन ऐसे में कई चैलेंजेस भी तो हमारे सामने आते हैं। तो ऐसे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने फैमिली को और आप अपने काम को इकट्ठा कैसे मैनेज करते हैं, क्या कभी कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब स्मूथली यू आर एबल टू हैंडल थिंग्स, क्या राज है इसके पीछे, ये आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए, सो दैट के उनको भी कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले ज़िंदगी में कुछ करने की, ख़ास तौर पर लेडीज़ को। जी ये बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा कि एक गृहिणी के लिए परिवार और काम को संभालना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, पर इस मामले में मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरी फैमिली मेरा साथ देती है, तो मैं बहुत अच्छे से अपने काम को भी और अपने फैमिली को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं काम के दौरान फैमिली को बीच में नहीं लाती, और फैमिली के टाइम के दौरान तो मैं उस वक्त मैं फील्ड में नहीं होती जहां एनजीओ है। मैंने अपना टाइम बांध रखा है कि इस दौरान मैं एनजीओ का है काम और इस दौरान में परिवार का है, तो ये तालमेल बिठा के चलना पड़ता है, अदरवाइज़ आप दोनों फील्ड में ही फिर फेल घोषित हो जाओगे। वैसे मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे सपोर्ट करती है, शायद इसीलिए मैं तालमेल बिठाने में कामयाब रही। मैम, हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो फाउंडेशन है छिपी मुस्कान, उसका मिशन क्या है और क्या आप उस फाउंडेशन को लेके आप लोगों के प्लान्स हैं क्या, और किस ढंग से आप काम करना चाहते हैं नियर फ्यूचर में, वो प्लीज़ आप हमारे व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट कि अगर कोई इंटरेस्टेड है या कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो वो प्लीज़ आप अपना कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं, या कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो हम डेफिनेटली कभी लाइव सेशन के थ्रू या डिम्पल मैम के थ्रू आप तक वो बात हम ज़रूर पहुँचाएँगे। हमारी फाउंडेशन का उद्देश्य जो है वो ये है कि जो मुस्कान उनके चेहरे पे कहीं छुप गई है, उनके बोझ तले जो जीवन का जो बोझ है उसके तले दबी हुई है, हम उसको बाहर निकालें। और मेन हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ, और औरतों को, स्पेशली औरतों को हेल्थ के लिए थोड़ा सा हम लोग अवेयर करें, क्योंकि अगर एक स्वस्थ
महिला है तो वो पूरे घर को संभाल सकती है। तो मेन अभी हमारा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ही चल रहा है। आगे आगे जैसे जैसे हम लोग इस फील्ड में और उतरते जाएंगे तो आगे हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा है कि इनकी एक पाठशाला भी तैयार करवाएं, इनका एक मतलब ग्राउंड भी तैयार करवाएं, तो वो चीज़ें अभी आगे हैं तो करने की कोशिश में हैं हम लोग, पर फिलहाल हमारा एजुकेशन और हेल्थ को लेकर ही ये है काम। बातों के सिलसिले को यही कुछ विराम देते हुए डिंपल मैम, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो ये हमारा नया इनिशिएटिव है बातें जो मंच है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और क्या कोई ऐसे सुधार हैं जो हमें करने चाहिए, कैसा लगा आपको इस मंच पर आकर, प्लीज़ आप हमारे व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपके इस कदम बातें के मंच पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूं कि आप इसी ढंग से काम करते रहें और आने वाले टाइम में एक ऐसा खुला मंच रखें जिन जिन के आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं, आप उन सबको उस मंच पर बिठाएं और बड़ा बेबाकी से उनसे क्वेश्चंस कीजिए और उनका इंटरव्यूज़ लीजिए, क्योंकि उस चीज़ में हम लोगों को भी खुशी होगी जो हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, औरों को हम लोग भी उनसे रूबरू होंगे, हम लोग भी उनको पहचानेंगे, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस उनको देंगे और कुछ उनके एक्सपीरियंसेस हम लोग लेंगे। आपका बहुत अच्छा काम है और आप इसी तरीके से करते जाइए, पॉजिटिविटी समाज में फैलाते जाइए जिसकी आज के वक्त समाज को बहुत सख्त ज़रूरत है। हम हमेशा आपके साथ हैं और आपको यही शुभकामनाएं देती हूं कि आप बहुत आगे तरक्की करें और ऐसे ही काम करते जाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे डिंपल मैम हमारे साथ और वास्तव में ही मतलब अपने लिए जीना तो बहुत आसान है, ज़िंदगी वो जो दूसरों के लिए जी जाए। और ऐसे ही अलग अलग हस्तियों से, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। प्लीज़ आप हमें अपना प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है या कोई आप स्पेशल किसी गेस्ट से मिलना चाहते हैं, किसी फील्ड के गेस्ट से आप मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज बातें स्टेज फॉर चैम्पियन को भी प्लीज़ फॉलो कीजिए, उस पर भी टाइम टू टाइम वी कीप ऑन अपडेटिंग द थिंग्स। और डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट कि जब भी कोई नया वीडियो डलेगा तो यू विल बी नोटिफाइड। और बने रहिए और ज़िंदगी में कुछ बदलाव तो ज़रूर ज़रूर लाइए।